साथियों, टैली चैप्टर 17 की सॉल्व असाइनमेंट शुरू करते हैं। इस असाइनमेंट का पीडीएफ लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस चैप्टर की जो मेन वीडियो है उसे देखिए और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर प्रीवियस लेसन के, प्रीवियस चैप्टर के, और इस लेसन में चैप्टर में पढ़ाए गए क्वेश्चंस की जानकारी मिलती है। चलिए सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 1, स्टेट ट्रू और फॉल्स। 1.1, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी मस्ट बी सेम इन वाउचर एंट्री। आपका एक्चुअल का क्वांटिटी और बिल्ड की क्वांटिटी दोनों सेम होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। नहीं साथियों, आपने वीडियो लेसन में पढ़ा भी है कि दोनों अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि इसका पर्पज़ ही है कि हम कुछ फ्री बीज की एंट्री कर पाएँ। तो यह जवाब आपका फॉल्स हो गया। 1.2, We can activate actual and build quantity option from inventory info. False. साथियों, actual and build quantity का option on करने के लिए आपको inventory feature में जाना होता है, न कि inventory info में। F11 से आप inventory feature में जाएंगे और वहाँ इसको activate कर सकते हैं। तो यह भी आपका फॉल्स हो गया। 1.3, एक्चुअल क्वांटिटी इज 15 पीसेस एंड बिल्ड क्वांटिटी इज 10 पीसेस विल शो टोटल 15 पीसेस ऑन बिल। फॉल्स। अगर एक्चुअल में 15 है और बिल्ड में 10 है तो बिल पर आपको 10 ही दिखाई देगा, उस पर 15 टोटल नहीं दिखाता है। इसके लिए मैंने आपको एक सॉल्यूशन बताया था कि आपको डबल लाइन में एंट्री करनी होगी। आप पहली लाइन में 10-10 की एंट्री करेंगे, दूसरी लाइन में आप 5-5 की एंट्री करेंगे और बिल अमाउंट को खाली छोड़ देंगे। 1.4, वी कैन गिव different item free on any item like laptop। ठीक है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, वो लैपटॉप है, और आप चाहते हैं कि उसके साथ में कोई और प्रोडक्ट फ्री दे दिया जाए, तो क्या यह पॉसिबल है टैली में? ट्रू, आपके लिए यह पॉसिबल है कि आप different item फ्री दे सकते हैं। 1.5, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी विल शो टू न्यू कॉलम्स ऑन प्रिंटेड बिल। फॉल्स। एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का कॉलम प्रिंटेड बिल पर आपको दिखाई नहीं देगा, वहां पर सिर्फ आपको दिखाई देता है क्वांटिटी, ना वहां एक्चुअल लिखा होगा ना वहां कॉलम में बिल्ड होगा, सिर्फ क्वांटिटी का कॉलम होगा, प्राइसिंग होगी और टोटल अमाउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यू 2.1, टू एक्टिवेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी वी नीड टू गो टू डैश। तो आपका आंसर ए होगा, इन्वेंट्री फीचर। हम इन्वेंट्री फीचर से ही इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 2.2, additional description for item will appear after using F12. F12 आप voucher create करते समय press करते हैं, तो stock item की entry पर आपसे यह पूछता है कि क्या आप कोई additional information देना चाहते हैं। साथियों, यहाँ पर एक बात आप notice कीजिए कि F12 आपको तब प्रेस करना है जब आप
स्टॉक आइटम के कॉलम पर पहुंचते हैं। नेम ऑफ पार्टिकुलर्स मतलब आइटम पर पहुंचते हैं। अगर आपने लेजर के कॉलम पर F12 प्रेस किया वह कुछ और काम कर जाएगा। तो जहां आप स्टॉक आइटम मेंशन करते हैं वहां पर F12 का प्रयोग कीजिए। तो बी सही जवाब हो जाएगा आपका बी। हाउ कैन वी शो टोटल इंक्लूडिंग फ्री आइटम्स क्वांटिटी। ऑप्शन ए मेंशन फ्री आइटम्स बिल्ड क्वांटिटी विदाउट अमाउंट। आपका ए जवाब बिल्कुल सही है। हमें टोटल के लिए प्री दिए गए आइटम का एक्चुअल एंड बिल्ड तो मेंशन करना होता है, लेकिन उसका अमाउंट क्योंकि हमने उसे पे ही नहीं किया है तो हम उसको खाली छोड़ देंगे। 2.4 डज एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स अपीयर्स ऑन प्रिंटेड बिल। नो बी ऑप्शन। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि प्रिंटेड बिल पर एक्चुअल या बिल्ड का कोई कॉलम नहीं होता है। 2.5 वेयर कैन वी सी एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी यूज्ड वाउचर एंट्री। तो सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। साथियों डीडी प्रेस करेंगे तो आप डे बुक में पहुंचते हैं या डायरेक्ट ना जा करके आप डिस्प्ले में जा करके नीचे डे बुक पर जाते हैं तो भी आप अपने वाउचर की एंट्री देख सकते हैं जिसमें एक्चुअल एंड बिल्ड को यूज किया गया है। तो इसका जवाब सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिर्फ यह बताना है साथियों कि क्या यह चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट तो नहीं था समझने के लिए, क्योंकि यह जवाब हमें हेल्प करेगा आगे इस चैप्टर या अन्य चैप्टरों को और भी बेहतर बनाने के लिए। प्रैक्टिकल टास्क में आपको एक नई कंपनी क्रिएट करके पिछले दिखाए गए सभी ऑप्शंस का प्रयोग करना है, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि पहले बिना किसी हेल्प के आप वो सारे ऑप्शन कर लीजिएगा और अगर डिफ़िकल्टी होती है तब लास्ट में आप हेल्प ले सकते हैं। तो साथियों हमें बताना ना भूलिए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है और कितनी अच्छी आपकी प्रोग्रेस चल रही है सीखने की। धन्यवाद।